नमस्कार दोस्तों, द अर्थ न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट आशीष कपूर। आज हम बात करेंगे पंचायती इलेक्शंस को लेके, और पंचायती इलेक्शंस के साथ साथ हम बात करेंगे उन बयानबाजी की जो आ रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से। बात करें प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी एनसी की, कल उसकी तरफ से एक उनके जो मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला किया है एनसी ने। कल श्रीनगर में कोर ग्रुप की मीटिंग थी एनसी की, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन्फॉर्म किया सबको कि वो जो है इस पे अपना जब तक सरकार जो है 35A पे अपना रुख साफ नहीं करेगी, चाहे वो प्रदेश सरकार है या सेंटर की सरकार है, तब तक एनसी जो है हर इलेक्शन बॉयकॉट करेगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से के चेयरमैन अनिल शर्मा जी। अनिल जी, हम आपका अपने शो में स्वागत करते हैं। तो अनिल शर्मा जी, ये जो कल बयान आया है फारूक अब्दुल्ला का, एक सीजन पॉलिटिशियंस हैं, हम देखते हैं उन्होंने हमेशा इलेक्शंस को, हर उस दौर में इलेक्शंस को उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया है हमारे प्रदेश में, लेकिन ऐसे मौके पे जब इलेक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, पंचायत को गांवों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आ रहा है जिसमें वो हम कहेंगे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इन इलेक्शंस को अपने पर्सनल गेन्स के लिए, कश्मीर में अपनी पेट बनाने के लिए दोबारा से, क्या कहेंगे आपकी तरफ से, क्या उनकी उनको एक मैसेज होगा? देखिए आशीष जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी रियासत के अंदर जो हमारी रियासत की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, और जिन पार्टीज़ ने रियासत के अंदर जो है वो हुकूमत की है, और आप जिक्र कर रहे हैं फारूक साहब का, फारूक साहब इस रियासत के जो हैं वो मुख्यमंत्री भी जो है कई मरतबा रहे हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मेंबर असम्बली रहे हैं, अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं वो। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि हमने देखा है पिछले 70 साल में कश्मीर के जो हमारे मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए जो है वो वक्तन वक्तन जो है वो ऐसे बयानात जो है वो देते रहते हैं जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो दबाव बने। मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ रियासत के अंदर जो है माहौल इस वक्त जो है वो इलेक्शन का जो है बड़ा साजगार माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था, और इलेक्शन की तैयारी में जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है बड़ी मुस्तैदी से जो है वो अपना काम काज जो है वो कर रही है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी जो है वो कर रही है। लेकिन फारूक साहब का जो बयान आता है कि हम जो हैं इसमें म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में जो है वो बायकॉट करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फारूक साहब को जो है एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए इस अपने बयान पे जो है, और उनको जो है सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो अलगाववादियों का कहीं साथ ना दे रहा हो, अलगाववादियों की भाषा जो है उसके साथ मिलती जुलती भाषा जो है वो फारूक साहब की ना कहीं बन जाए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि लोग तैयार हैं, और रियासत के अंदर जो है चुनाव जो है करवाना, ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है हमारी उसको बहाल करना बड़ा लाजमी है। कहीं ना कहीं हमें ये बात क्यों नहीं पछते, या हम बात करें बाकी जो जितने भी जो एनसी को जानते हैं या एनसी से जुड़े हुए उनके वर्कर्स भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये बात पच नहीं रही। उसका रीज़न यही है क्योंकि एनसी की अब हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने हमेशा इलेक्शंस को एक सपोर्ट किया है हर फेज़ में। हम बात करें जब 90 के दशक में माहौल ख़राब थे, तब भी एनसी ने उसको सपोर्ट किया था। इलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस वो होता है अपनी स्टेट में, अगर बात करें इलेक्शंस को लेके, लेकिन इस मौके पे वैसी वो आनी, तो कहीं ना कहीं वो पच नहीं रही है किसी को भी वो बात की क्यों एनसी की तरफ से ये बयान आ रहा है पंचायती इलेक्शंस को लेके। हम ये भी बात यहाँ पे करना चाहेंगे आपके साथ, जैसे अभी पंचायती इलेक्शंस हैं यहाँ पे, राइट? तो आपको जम्मू में, जैसे आपने कहा माहौल बना हुआ जम्मू में काफ़ी अच्छा माहौल है इलेक्शंस को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें श्रीनगर में जो हालात हैं इस टाइम, और अगर हम जिसको हवाला फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया है अपनी बयानात में कि श्रीनगर में जो है हालात अभी ठीक नहीं है इलेक्शंस के लिए, अगर हम ज़मीनी तौर पे बात करें, कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत भी होना पड़ेगा कि कश्मीर में भी हालात जो हैं वो कंड्यूसिव नहीं है इलेक्शंस को लेके, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि उन्होंने हालात का हवाला जो है वो नहीं जिक्र किया, उन्होंने 35A का जो है वो हवाला लिया, उन्होंने आड़ ली है 35A की।
कि 35A जो है वो रियासत की सरकार जो है या केंद्र की सरकार जो है उसका स्टैंड क्या है, वो स्टैंड क्लियर करे। तो उन्होंने आड़ बनाया है सिर्फ पंचायत इलेक्शन को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन को। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर आने वाले दिनों में जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जो है वो रियासत की, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन तक अगर 35A का फैसला जो है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, डिले होता है, तो क्या करेंगे फारूक साहब जो है पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे? वो कल बोला उन्होंने, हम हर इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे जब तक इस पर रुख साफ नहीं कर दे केंद्र सरकार। देखिए जी, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन होगी, फारूक साहब जो है, क्योंकि उसमें फारूक साहब को खुद को हिस्सा लेना है, ठीक है, वो जरूर कंटेस्ट करेंगे, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेंबर असेंबली की जो है वो इलेक्शन होगी रियासत के अंदर, क्या वो वहाँ हिस्सा नहीं लेंगे? क्या वहाँ चीफ मिनिस्टर की दावेदारी छोड़ देंगे? क्या अपने असेंबली में जो कानून साजिया में जो मेंबर असेंबली में जो भेजते हैं अपने MLA, क्या उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाएंगे? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये ब्लैकमेलिंग जो है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर जो है, सिर्फ जहां ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में जो है बड़े नेताओं का कोई काम नहीं होता वहाँ। और वैसे भी जो है हमारी रियासत के अंदर जो है, फारूक साहब ने जो सोचा होगा, रियासत के अंदर पंचायत इलेक्शन जो है वो पार्टी बेसिस पे तो होने नहीं है, वो तो वैसे भी नॉन पार्टी बेसिस पे हैं। रही बात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो वो एक छोटी सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो है उन्होंने एक दाव खेला है, और ये मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग जो है ये अच्छा नहीं है। आप रियासत के एक बड़े एक कतावर जो है वो नेता हैं, रियासत के अंदर जो है आप की जो है बहुत बड़ी साख है, रियासत के अंदर लोग आपको मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बयान जो है वो देना चाहिए। आज म्यूनसिपल इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, आपने बाइकाट कर दिया, कल को पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे आप बाइकाट नहीं करेंगे, कल को असेंबली के इलेक्शन आएंगे आप बाइकाट नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बयान जो है ये फारूक साहब ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार को जो है वो एक दबाव में डालने के लिए, और अपनी पॉलिटिक्स जो है कश्मीर के अंदर जो जमीनी ज़मीन जो है अपनी बनाने के लिए, और कश्मीर के अंदर जो है उनकी जो है आवाज़ जो है वो घर घर तक पहुँचे, तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि उन्होंने एक दाव जो है वो खेला है रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर। जिस दाव की आप बात कर रहे हैं, अगर हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहेंगे, जिस तरह से भारत माता की जय के नारे फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में लगाए थे, उसके बाद कश्मीर में काफ़ी किरकिरी भी हुई थी, अगर बात करें जिस तरह से उन पर जुम्मे की नमाज ईद की नमाज के दौरान कुछ जूते से हमले हुए थे और कुछ हरासमेंट भी हुई थी वहाँ पे, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए तो नहीं है ये इन्होंने ये बयान दिया कि हम मैं थोड़ा सा जनता के साथ दे के ये बयान जनता के साथ हो जाऊँगा? देखिए फारूक साहब जो हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो वक्तन वक्तन है कभी भारत माता की जय भी कह देते हैं, कभी भजन भी गा लेते हैं, कभी जो है अलगाववादियों की भाषा भी बोल लेते हैं, और कभी कभार जो हैं वो ऐसी बातें भी कर देते हैं जिनसे जो है कश्मीरियत जो है कश्मीरी लोग जो हैं वो खुश हो जाएँ, और कश्मीरियों की भाषा भी कभी कभी बोल लेते हैं, कभी जम्मू वालों की भाषा भी बोल लेते हैं। तो उनका जो है वो उनका जो बात करने का ढंग रहता है वो बड़े लेवल पे जो है वो अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, और अपनी बात से जो है वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और अपनी बातों से जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। हम पिछले 70 साल में देख रहे हैं कि कश्मीर के जितने भी मेन स्ट्रीम में जो हैं पोलिटिकल पार्टी हैं, जब मेन स्ट्रीम जो पोलिटिकल पार्टी कश्मीर की हैं उनके जो सरगना हैं, जो उनके जो लीडर हैं, जो वो हमेशा से, चाहे मुफ्ती फैमिली हो चाहे शेख फैमिली हो, इन्होंने हमेशा से जो है केंद्र सरकार को दबाव, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए जो है कभी हुर्रियत का जो है वो सहारा लिया है, कभी अपने बयानों का सहारा लिया है। जे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो काफ़ी अरसे से जो है वो पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बातें जो हैं वो दो दिन के बाद आप देखिएगा वो कभी बहुत ज़्यादा देशभक्ति की बात करना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी बात को जो है ठीक है, अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करते उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी आपके माध्यम से जो है वो इलेक्शन
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से और हमारे एक्सलेंट गवर्नर जो हैं सत्यपाल मलिक जी जो हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि ग्राउंड पे जो है हमारे अर्बन लोकल बॉडी में जो कंटेस्ट करने वाले जो लोग हैं जो कैंडिडेट हैं चाहे कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो चाहे जम्मू हमारा खिता हो तीनों खितों में लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं और पंचायत इलेक्शन के लिए भी हमारे जो फार्मर्स पंची सरपंची जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी बैठे हैं चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू हो चाहे लद्दाख हो। तो इसलिए जो है पंचायत इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन को डिले करने का मतलब है कि आप जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है आप उसको रोक रहे हो। कहीं ना कहीं अनिल जी मैं से पूछना चाहूँगा, अब आप किसी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, आपसे कश्मीर के भी जो नुमाइंदे होंगे पंचायत में वो भी मिलते हैं। हम एक पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं पंचायत एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसमें पॉलिटिक्स का जो है स्कोप बिल्कुल मिनिमम जिसको हम कहते थे होता था एक टाइम पे। अब हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें पंचायती इलेक्शंस में भी शुरू हो चुका है। अब J&K में तो लास्ट 10 साल से हुई नहीं इलेक्शंस, अगर हम बात करें काफ़ी देर से इलेक्शंस नहीं हुई, लेकिन बाहर भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर से बाहर भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो इन्फ्लुएंस शुरू होना शुरू हो गया है इन इलेक्शंस में भी। आपको क्या लगता है ये सही है कि गलत है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चाहे पंचायत के इलेक्शन हो चाहे हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो अर्बन लोकल बॉडी के हो, वोट डालने वाला भी और वोट लेने वाला भी कैंडिडेट भी वो कहीं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका जुड़ाव है, वो जुड़ा हुआ है किसी ना किसी के साथ। तो इसलिए जो है वो तो एक जुड़ाव जो है या एक किसी पार्टी के साथ जुड़ना जो है वो तो रहेगा, वो तो आप भी नहीं मना कर सकते किसी को और हम भी किसी के ऊपर जो है वो एक दबाव नहीं बना सकते। ये तो जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा पे डिपेंड है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को चाहता है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलना चाहता है। जहाँ तक पंचायत इलेक्शन की आपने बात की, पंचायत इलेक्शन में जो है हमारे नॉन पार्टी बेसिस पे जो है वो इलेक्शन होते हैं और अभी भी जो गवर्नर साहब ने जो कहा है कि वो भी नॉन पार्टी बेसिस पे ही जो है चुनाव जो है वो रियासत में होंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपने कहा कि पॉलिटिकल कोई ना हर बंदा आज के टाइम पे पॉलिटिकल किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा होता है। देखिए ये असलियत है कि हर इंसान हर बशिंदा जो रियासत का है चाहे हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का लगाएं चाहे पंजाब का लगाएं चाहे हरियाणा का लगाएं चाहे हिमाचल देश के किसी भी रियासत के आप बशिंदे को ले लें वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुतफिक होगा। तो कहीं ऐसा नहीं होता जब आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं तो आप जो वोट आप उस पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर जब वोट डालते हैं तो लोकल इश्यूज जो होते हैं किसी भी एरिया के जिसके लिए पंचायत को चुना पंचों को चुना जाता है वो लोकल इश्यूज कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं ऐसा नहीं है। देखिए जो इश्यूज रहते हैं चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए हो लेकिन इश्यूज तो वही रहेंगे ना गांव के, लेकिन उसमें फिर हम जो लीडर्स होते हैं उनका नाम आ जाता है उनके नाम पे वोट लिए जाते हैं, चाहे मोदी की बात हो चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या हम स्टेट के टॉप लीडर्स की बात करें फिर उनके नाम पे वोट बटोरे जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो पंचायत इलेक्शन होते हैं या खासतौर में पंचायत इलेक्शन की बात करता हूँ, पंचायत इलेक्शन में किसी का नाम नहीं चलता, किसी बड़े लीडर का नाम नहीं चलता। पंचायत इलेक्शन में कैंडिडेट को लोग देखते हैं और कैंडिडेट ने पिछला काम काज क्या किया हुआ है उसको देखते हैं, क्योंकि पंचायत इलेक्शन जो रहती है वो बड़ी छोटी इलेक्शन होती है, एक गांव की इलेक्शन होती है और उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-2,500 मैक्सिमम वोट जो है 2,000-2,500 वोट रहता है। तभी हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दों को लेकर इलेक्शन होती थी, लोकल इश्यूज को लेकर इलेक्शन होती थी, पंचायती इलेक्शन। देखिए इसमें पॉलिटिक्स आती नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं आती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबदबा नहीं रहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ से कोई भी कैंडिडेट जीता है वहाँ कोई भी कैंडिडेट चाहे वो वाबस्ता किसी भी पार्टी से हो लेकिन उसे हर एक पार्टी का बोर्ड जो है वहाँ पे लोग जो हैं चाहे वो असेंबली का बोर्ड किसी भी पार्टी के साथ उनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती होगी, पार्लियामेंट का बोर्ड देते होंगे, लेकिन जब पंचायत की वारी आती है तो पंचायत पे जो है वो लोग जो हैं वो कैंडिडेट को देख के उसके कामकाज को देख के उसके बिहेवियर को देख के उसके उसका जो तरीका है काम करने का उसको देख के जो है वो लोग वोट डालते हैं। इसमें नहीं रहता कि पॉलिटिक्स को जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और पार्टियों का उसमें कोई ज़्यादा दबदबाव रहता है, ऐसा हमें देखने को आज तक नहीं मिला कि रियासत के अंदर जब भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो एक व्यक्ति को देख के, क्योंकि बड़े छोटे गाँव की इलेक्शन होती है,
पंच जो होता है वो तकरीबन 15 से 20 घरों का एक पंच होता है, या 25 घरों का, या 30 घरों का एक पंच होता है। तो 30 घरों के अंदर जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो अलग अलग, लेकिन जब पंच की बारी आती है तो सभी लोग मिलजुल के जो है कई दफ़ा तो जुनानी मसली जो है उसको नॉमिनेट कर देते हैं। तो इसलिए जहाँ इसमें जो है पार्टी बेस पे कोई ऐसा जिक्र नहीं होता, जहाँ पे आदमी की छवि जो है वो बड़ी मैटर करती है, आदमी की छवि मैटर करती है। हम भी यही आशा करते हैं इसको नॉन पॉलिटिकल जो जो हम चोला देने की कोशिश करते हैं आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोकल इश्यूज़ पे ये जो है लड़ी जाए। बात करेंगे कश्मीर को लेके, जिस तरह से मैंने आपको, आप ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, तो कश्मीर के भी आपसे लोग मिलते होंगे, जो चुने हुए पंच थे पहले वो आपसे मिलते होंगे, वो उनका रवैया किस तरह से है कश्मीर को लेके? देखिए, जो हमारे पंचायत मेंबर हैं वो काफ़ी उत्साह खुश हैं इस बात के लिए कि वो इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, लोगों के कामकाज करना चाहते हैं। देखिए, पंचायत इलेक्शन जो है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रियासत जम्मू और कश्मीर में पंचायत इलेक्शन करवाना जो है बड़ा लाजमी है। आज की डेट में हमारी डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट लेवल के, हमारे दो इंस्टीट्यूशन हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन, दोनों इंस्टीट्यूशन आज की डेट में जो है डिफंक्ट पड़े हुए हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। तो डेवलपमेंट जो है गांव के अंदर हो या शहर के अंदर हो या टाउन के अंदर हो, वहाँ डेवलपमेंट जो है टोटली जो है वो रुकी पड़ी है। हमारे माइक्रो इंस्टीट्यूशन हैं बेसिकली वो बंद हो चुके हैं, बिल्कुल टोटली जो है बंद हो चुके हैं, और डेवलपमेंट भी जो है वो टोटली बंद हो चुकी है। बंद होने का कारण मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि तकरीबन 700 करोड़ रुपया जो है सालाना बजट जो रहता है वो पंचायतों का रहता है, रियासत का, हमारी जम्मू कश्मीर की, और 700 करोड़ जो है आज की डेट में जो है पंचायतें नहीं बनने की वजह से वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, नहीं वो ब्लॉक पड़ा हुआ है केंद्र के पास, वो दे नहीं रहे, वो दे नहीं सकते, क्योंकि जब तक जहां पे इलेक्शंस नहीं होंगी, जब तक हमारी डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल की बहाल नहीं होगी, ने नुमाइंदे चुन के नहीं आएंगे, तब तक जो है केंद्र की सरकार जो है हमें वो अमाउंट नहीं दे सकती। वैसे ही जो है 300 करोड़ रुपया जो है अर्बन लोकल बॉडी का जो है म्यूनसिपैलिटी का जो है वो रुका पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपया रियासत का जो है वो केंद्र में जो है वो पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार का, वो रिलीज नहीं कर सकी कानूनी तौर पे, वो ये नहीं है कि रिलीज कर नहीं रही, रिलीज कर नहीं सकते कि जब तक ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारे बन ना जाए, जब तक हमारे डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन दो जो हैं वो बहाल ना हो जाएं, हमारे नुमाइंदे चुन के ना आ जाएं। तो इसलिए जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे जम्मू कश्मीर को जो है आज के वक्त जो है वो हो रहा है, और जिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अगर जहां फारूक साहब ने जो है वो कहा है कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, खुदा न खास्ता के अगर इलेक्शन डिले होते हैं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं, होने नहीं चाहिए, होंगे भी नहीं, लेकिन अगर होते हैं, ये नुकसान बढ़ता रहेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होगी, अगला फाइनेंशियल ईयर भी आएगा, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में भी 1000 करोड़ का जो पैकेज रहेगा वो भी नहीं आएगा। आपको लगता है कि जिस तरह से एनसी की तरफ से बयान आया, फारूक अब्दुल्ला जो एक गदावर नेता है हमारे स्टेट के, इलेक्शंस में उसका असर पड़ेगा? मुझे जहां तक लगता है, अगर फारूक साहब की जो जमात है अगर इसमें हिस्सा नहीं लेती, लोग हिस्सा लेंगे ना, लोग हिस्सा लेंगे, और वैसे भी पंचायतों के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोगो लेके तो कोई आएगा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेके तो कोई आएगा नहीं, कोई पीडीपी का झंडा लेके तो आएगा नहीं, कोई बीजेपी का झंडा लेके तो आएगा नहीं, कोई किसी पार्टी का झंडे डंडे लेके तो कोई आएगा नहीं। कहने का मतलब है कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये एक पॉलिटिकल गिमिक था जो फारूक अब्दुल्ला ने एक छोटा सा खेल खेला पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए, अपने मुफायदों के लिए, और शायद से अपनी दोबारा से जो खोई हुई साख थी उसको गेन करने के लिए वैली में। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पार्टी को जो है उसको हाइप देने के लिए और अपनी पार्टी का वोट बैंक जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये बयान जो है वो दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये सीधा सीधा जो है एक उन्होंने ब्लैकमेलिंग का जो है काम जो है वो रियासत के अंदर किया है, और केंद्र सरकार को भी ब्लैकमेल करने का काम जो है वो किया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा, जब भी पंचायत की नोटिफिकेशन होती है उसके बाद कश्मीर से बहुत सारे नौजवान जो है वो निकल के बाहर आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के जीत के जो है वो लोगों की सेवा करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक दो पॉलिटिकल पार्टी इसमें हिस्सा लेती है या नहीं लेती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि लोग पंचायतों के अंदर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो हिस्सा लेंगे। हमने 96 का दौर भी जो है 1996 का दौर भी हमने देखा है, 96 में भी जहाँ पे असेंबली के चुनाव हुए और फारूक साहब भी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन के आए, ऐसे ऐसे MLA भी हमने देखे कि जिनको जो है 1700 वोट पड़ा और 900 वोट पड़ के जो है वो MLA चुन के जो है वो आए। तो इसलिए जो है ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बार लोगों ने हुर्रियत ने जो है ये आवाजें दी कि बाइकॉट कर दीजिए, ये कर दिए। क्यों बाइकॉट कर दिए? अगर बाइकॉट हो भी जाएगा फिर भी वोट डालेंगे ना। 80% पोलिंग नहीं होगी, 60% होगी, 60 नहीं होगी, 40 होगी, 40 नहीं होगी, 30 होगी। बट ये लोगों की उसमें शिरकत तो रहेगी ना। जब लोगों की शिरकत रहेगी तो लोग चुन के आएंगे, लोग चुन के आएंगे तो डेमोक्रेसी बहाल होगी, डेमोक्रेसी बहाल होगी तो केंद्र से अमाउंट आएगा, केंद्र से अमाउंट आएगा तो हमारी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो खुशहाली होगी। तो आप कह रहे हैं कि पंचायती इलेक्शन जो हैं इस टाइम इतना ज़रूरी है कि जो कश्मीर में हालात ख़राब हैं उसमें काफ़ी असर पड़ेगा, लोगों को जब डेवलपमेंट मिलती है तो वो खुश हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि इसमें अगर पंचायत के इलेक्शन हो जाते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो जाते हैं, तो कश्मीर के अंदर जो आए दिन जो जुलूस, पत्थरबाजी, जहाँ जो बहुत लोगों का जड़ाव होना, गांव-गांव में, शहर में जुलूस की शक्ल में आना, वो भी देखना आप कम हो जाएंगे। क्योंकि कारण उसका यह है कि आज की डेट में जिस गाँव में जुलूस निकलता है उस जुलूस को रोकने वाला कोई नहीं है, उस जुलूस के ऊपर नज़र रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग खुले पड़े हुए हैं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई पंच नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई कॉरपोरेटर नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है उनका। जब कॉरपोरेटर, काउंसलर, पंच, सरपंच जे लोग बन जाएंगे, जे अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को समझाएंगे, उनको बोलेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं, तो इसलिए जो है ये चीज़ें भी जो है फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। और ये हालात भी जो कश्मीर के अंदर जो है वो भी ठीक हो जाएंगे, बशर्ते जो है ये इलेक्शन जो है ग्रास रूट लेवल के दोनों इंस्टीट्यूशन जो है ये कायम होने चाहिए और अपने टाइम के हिसाब से जो अभी गवर्नर साहब ने जो कहा है कि आने वाले दिनों में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपना शेड्यूल भी जो है वह तय करेगा। हम तो कहते हैं चीफ इलेक्टोरल साहब जो है वो अपना शेड्यूल दें और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है आगे लोग जो है अपनी तैयारी करें और इलेक्शन हो के जहां रियासत के अंदर जो है वो खुशहाली है। चलिए अनिल जी, आपने हमें टाइम दिया। ये थे अनिल जी जो ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। इन्होंने बताया किस तरह से पंचायती इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं स्टेट के लिए, स्टेट की खुशहाली के लिए ज़रूरी है, किस तरह से जो 1,000 करोड़ के तकरीबन फंड्स हैं वो ब्लॉक पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसको यूटिलाइज नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, या जो हमें अभी तक मिल नहीं रहे हैं गाँव में उसकी जिससे डेवलपमेंट हो उन फंड्स के साथ, या अर्बन बॉडीज़ में जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं उनमें वो यूटिलाइज हो सकें। तो हम आशा करते हैं ये जो पंचायती इलेक्शन हैं जो NC ने कॉल दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें और हमारे प्रदेश की खुशहाली में एक नया चैप्टर होगा जो लिखा जाएगा इन इलेक्शंस के बाद। हमें समय देने के लिए धन्यवाद।